ये फॉर्म देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंटल फॉर्म है 10+2 का, जिसका किसी भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम है तो उसको भरा जाता है ताकि एग्जाम दे सके और रिजल्ट बेहतर आ सके। और सजुम फॉर्म जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे 10+2 का कॉलेज कोड है, कॉलेज कोड हो गया, फिर यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम हो गया, फिर यहाँ पे BSC बिहार बोर्ड का जो यूनिक आईडी होता है, तो आईडी आपको एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए यूनिक आईडी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो मिलता है कॉलेज से उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, यहाँ पर नाम फादर नेम सब कैपिटल में होगा, जितना भी होगा सब ब्लॉक लेटर में होगा, फिर यहाँ पर जेंडर भरा जाएगा, कैटेगरी कौन से हैं, जनरल है, ABC है, BC है, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशियल एबल मतलब आप विकलांग हैं या नहीं, यहाँ पे स्पाइसिफाई मतलब डिजिबिलिटी मतलब आप आँख से कोई दिक्कत है या नहीं, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर प्लेन मेंशन आधार कार्ड, आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डाला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे करने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी देना है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी यहाँ पर आपको भरा जाएगा, और स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पे कंपार्टमेंटल यहाँ पे ये हो जाएगा, मटेरियल यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पर मैट्रिक का जो बोर्ड है स्कूल नेम वो भरा जाएगा, रोल नंबर, रोल कोड, ईयर्स ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटर का, जो इंटर का जो दिए उसका यहाँ भरा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में मतलब किस में आपको देना है एग्ज़ाम, जो आपका नंबर कम है उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है, बाकी यही सब है, भर कर जमा कर देना है स्कूल में।